नागरिकता कानून के विरोध में हुए प्रदर्शन के समय हिंसा के मामले में ईडी की टीम पीएफआई और दूसरे संगठनों से सदस्यों से पूछताछ कर रही है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई पर हिंसा का आरोप है। इस मामले में ईडी ने समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया था। आनंद तिवारी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। आनंद, जो ईडी पूछताछ कर रही है, क्या कोई जानकारी मिल पाई है, क्या सहयोग हो रहा है? जी देखिए, बिल्कुल, 7 लोगों को समन किया था कल, जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है ईडी ने, और जिसमें ये तमाम लोग पीएफआई और रिहैबिट इंडिया फाउंडेशन आरएफआई से जुड़े हुए सदस्य थे, जिनमें से 7 लोगों को समन किया गया था, जिसमें से 8 मैं आपको बता दूं, मोहम्मद परवेज अहमद हैं, जो पीएफआई के एक एक्टिव मेंबर हैं, और शाहिद अबू बकर हैं, ये आरएफआई से जुड़े हुए हैं, और एक और अन्य लोग हैं। ये 3 लोग जो हैं ईडी हेडक्वार्टर पहुंचे हुए हैं, और इनसे ईडी के अधिकारी जो हैं वो पूछताछ कर रहे हैं, क्योंकि जो प्रदर्शन हुए थे उसमें सीधे सीधे आरोप लगा था कि पीएफआई ने फंडिंग की है प्रदर्शन और दंगों में। उस मामले में इन लोगों को समन जारी किया गया है। बता दें कि दिल्ली में कुल 9 जगह पीएफआई के दफ्तर हैं, और उन तमाम लोगों से आगे भी पूछताछ होगी। ईडी का कहना है कि इसमें कुछ ऐसे मेंबर भी थे जो केरल के रहने वाले हैं, वो दिल्ली में मौजूद नहीं है, तो उनसे भी संपर्क करने की कोशिश की जा रही है कि वो पूछताछ में जल्द शामिल हो। बिल्कुल, तो आनंद तिवारी हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं कि नागरिकता कानून के विरोध में अब पूछताछ हो रही है। 7 लोगों को समन दिया गया था, और अब ईडी की टीम पीएफआई और दूसरे संगठनों के सदस्यों से पूछताछ कर रही है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई पर हिंसा का आरोप है। इस मामले में ईडी ने समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया था, और जो जानकारी आनंद दे रहे थे कि 9 दफ्तर हैं पीएफआई के दिल्ली में, और इसको लेकर के अब समन 7 लोगों को जारी हो चुका है, जिसमें से कई लोगों से पूछताछ हुई है, कई लोगों से पूछताछ होगी, और ईडी की पूरी कोशिश है कि जो ये फंडिंग होती है, जो आरोप इन पर लगे हैं, गंभीर आरोप लगे हैं, उसको लेकर के अहम जानकारियां जुटाई जा सके।